नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि DA की गणना के फार्मूले में हुआ बदलाव, अब जुलाई के DA में होगी इतनी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, जो DA के गणना के फार्मूले में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि आखिर महंगाई भत्ते की जो गणना होगी वो किस फॉर्मूले के आधार पर होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के पिछले महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर 42% पर पहुंचा दिया, जिसके बाद कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी की गई। अब सरकार DA कैलकुलेशन के लिए नया फॉर्मूला लाने की योजना बना रही है। दोस्तों, DA कैलकुलेशन के इस फॉर्मूले को साल जुलाई में बदला जा सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। DA कैलकुलेशन में बदलाव के बाद जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। AICPI के आंकड़ों को देखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। दोस्तों, जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर सीधा 40% हो जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत का अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने कई बार अपनी गणना में बदलाव किया। पिछली बार श्रम मंत्रालय की ओर से महंगाई भत्ता फॉर्मूले के आधार वर्ष और मजदूरी दूर सूचांक की नई सीरीज जारी की। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इसमें बदलाव हो सकता है। महंगाई भत्ते की गणना DA की वर्तमान दर और मूल वेतन को गुणा करके निकाली जाती है। आपकी बेसिक सैलरी 29,000 रुपये है और DA 42% है, तो आपका DA फॉर्मूला 42,000 × 29,200 / 100 होगा। इस आधार पर ही पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की भी गणना की जाती है। दोस्तों, जनवरी 2022 में AICPI का आंकड़ा ऊपर रहा। दोस्तों, अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात मिलेगी, जिसमें महंगाई भत्ते में सीधी 4% की बढ़ोतरी होगी और महंगाई भत्ता 40% हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो नया महंगाई भत्ते के हिसाब से 720 रुपये महीने का फायदा होगा। दोस्तों, अगर कर्मचारी के मूल वेतन 56,900 रुपये है तो कर्मचारी को 56,000 × 4/100 सीधा 22,760 रुपये का फायदा होगा। ये मंथली बेस पर होगा, हर महीने उसको अगर 3,414 रुपये का फायदा होगा। दोस्तों, आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ते पर टैक्स देना होता है। ITR फाइल करते वक्त लोगों को महंगाई भत्ते के बाद की पूरी जानकारी देनी होती है। मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 1996 से पहले के पेंशनभोगी, 2006 से पहले के पेंशनभोगी और 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन किया जाएगा। DA बढ़ोतरी में केंद्र सरकार पेंशन संशोधन कर सकती है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ पेंशनभोगियों द्वारा किए गए दमन अदालती फैसलों के आधार पर वह विभाग के परामर्श से महंगाई भत्ते से पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।